NTAUGCNET, UnImageNet, download it on Google Play Store. नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 6. आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं इवैल्यूएशन सिस्टम इन हिंदी. टीचिंग एप्टीट्यूड में मुख्य रूप से 7 तरह के इवैल्यूएशन सिस्टम है दोस्तों. इनमें से UGCNET में काफी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं. ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको हमें समझना बहुत अच्छे से जरूरी है, क्योंकि इसमें से आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है. तो दोस्तों, इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना. दोस्तों, अगर आपको नेट और जीएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए. इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे. आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं. नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो देने वाले हैं. इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है. हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं. तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजीनेट है तो जीआरएफ है. तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम इन टीचिंग एप्टीट्यूड. सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में जानने से पहले हमें असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए. असेसमेंट क्या होता है, देखिए इसके अंदर हम स्टूडेंट के अनुभव, उसके विचार, उसके एटीट्यूड और उसकी नॉलेज को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम बच्चे की शिक्षा को और बेहतर बना सके. इसे हम क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं. और उसके बाद में हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, बात करते हैं मूल्यांकन की, बात करते हैं. इसके अंदर हम मुख्य रूप से यह देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, और इसके लिए हम टेस्ट, ग्रेड, परफॉर्मेंस इत्यादि का उपयोग करते हैं, जिससे बच्चे का अच्छी तरह से जजमेंट किया जा सके. और शिक्षा में सबसे पहले असेसमेंट आता है दोस्तों, और उसके बाद में क्या आता है, इवैल्यूएशन आता है. ये चीज़ आप ध्यान रखना. और अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में और असेसमेंट के अंदर मुख्य रूप से क्या डिफरेंस है. इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में से क्वेश्चन आ चुका है. असेसमेंट क्या है दोस्तों, ये ऑन गोइंग है. ये क्या है कि कंटिन्यूस चलती रहती है, समय के साथ साथ चलती रहती है. हम देखते रहते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं. और जबकि इवैल्यूएशन होता है दोस्तों, वो लास्ट के अंदर किया जाता है, प्रोवाइड क्लोजर, यानी कि वो एक पूरी समरी प्रदान करता है. जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट आता है लास्ट के अंदर, पूरा साल में एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है, तो उसको हम एज ए क्या कहेंगे, इवैल्यूएशन कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे. असेसमेंट क्या है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. और असेसमेंट क्या है दोस्तों, वो पॉजिटिव हो सकता है, और ये क्या है, इट इज जजमेंटल होगा. ये क्या होगा, जजमेंटल होगा. ये फाइनल रिजल्ट देगा, भाई इस बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, ये है, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है. लेकिन ये क्या, असेसमेंट क्या होगा दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव होगा. आगे हम बात करते हैं इसके अंदर प्रोवाइड फीडबैक. इसमें असेसमेंट के अंदर फीडबैक होगा दोस्तों. जैसा कि हम देखेंगे कि क्लास के अंदर कोई बच्चा है, वो ज्यादा शरारत कर रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा, तो हम उसको खड़ा करके पढ़ रहे हैं, पूछेंगे भाई क्या बात है, तुमने स्टडी क्यों नहीं की, क्या रीजन है, क्या दिक्कत आ रही है. तो वो स्टूडेंट हमें बताएगा कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, या बुक्स नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा, वो फीडबैक देगा. लेकिन इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हमें फीडबैक नहीं मिलता. इट्स योर मार्क्स, जैसे कि मार्कशीट आती है, इसके अंदर हमें मार्क्स दिए जाते हैं, उसके अंदर कोई कन्वर्जेशन वगैरह नहीं होती, फीडबैक वगैरह नहीं होता. इट इज क्वालिटेटिव, ये क्या होता है दोस्तों, क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है. इसके अंदर एटीट्यूड वगैरह का पता चलता है कि बच्चा किस वजह से नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है. इसमें हमें पता चलेगा कि हो सकता है बच्चा ज़्यादा खेलता हो सकता है बच्चा झगड़ालू हो, कुछ भी हो सकता है. उसके अंदर बच्चे की क्वालिटी के बारे में पता चलता है. जबकि इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, इसमें क्वांटिटी की बात होती है. इसके अंदर हमें पता चलता है कि बच्चे के 28 नंबर आए हैं, बच्चे के 78 नंबर आए हैं, इतने नंबर आए हैं, ये हमें क्वांटिटी की बात करता है. आगे हम बात करते हैं इट हैव डायग्नोस्टिक. ये डायग्नोस्टिक होता है, फॉर्मेटिव होता है, सुमेटिव होता है, ये सभी तरह का हो सकता है दोस्तों. हमारा असेसमेंट है डायग्नोस्टिक, मतलब निदानिक, उपचारात्मक, यानी कि मान के चलिए किसी बच्चे में हमें पता चला कि किसी बच्चे के पास ना बुक्स नहीं है, तो हम उसका उपचार कर सकते हैं, उसको पैसे दे के बुक्स वगैरह दिला के उसका उपचार कर सकते हैं, उसकी स्टडी को बेहतर तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इट हैव
ओनली सुबेक्टिव। ये क्या है, ये लास्ट के अंदर केवल समरी देगा, लास्ट के अंदर बताएगा कि आपका रिजल्ट ये है, इसके अंदर उपचार नहीं किया जाएगा। अगर किसी बच्चे के नंबर 28 है, 100 में से 28 नंबर है, तो उसको फेल कर दिया जाएगा, उसका उपचार नहीं किया जाएगा। तो मेन डिफरेंस असेसमेंट और इवेल्युएशन के अंदर ये है दोस्तों। इन सभी को आप ध्यान से देख लेना, इस अच्छे से याद रखना, इसमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है। और यह हम शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर करते रहते हैं। असेसमेंट क्या है, कंटिन्यूसली चलता है, ये चीज़ हमने पहले बात कर ली दोस्तों। इसको हम आखिरी में करते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, ये चीज़ हमने कर ली दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम की, बात करते हैं ये कितने तरह के होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 7 टाइप है दोस्तों इसके, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, प्लेसमेंट इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, सुमेटिव इवेल्युएशन और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, नॉन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। ठीक है, ये 7 तरह के। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना दोस्तों, हिंदी में याद मत रखना, क्योंकि हिंदी के अंदर जो वर्ड्स है वो चेंज होते रहते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि सर ने तो स्थानानन मूल्यांकन के बारे में बताया था लेकिन एग्जाम के अंदर तो कुछ और ही वर्ड आया हुआ था, ये तो सर ने करवाया नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना इनको। और दोस्तों आप यकीन करना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज तक आए हैं और इसका हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे, अप्लाई मॉक टेस्ट देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं। तो चलिए अब हम टाइप ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम के एक एक सभी टाइप के बारे में बात करते हैं, एक एक टाइप के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर एक पे दोस्तों हमारा है कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, सीसीई का, इसके अंदर इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के प्रत्येक पहलू को देखा जाता है जब वो स्कूल के अंदर प्रेजेंट रहता है, स्टडी करता है, उस दौरान हम उसको देखते हैं, बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, किस तरह का उसका व्यवहार है, क्या किससे वो बात करता है, कैसे रहता है, हर एक पहलू को उसको देखा जाता है। जैसा नाम से पता चल रहा है दोस्तों, कंटिन्यूस यानी कि लगातार उसके उसकी निगरानी करना, उसके बारे में एनालिसिस करना, ये क्या है दोस्तों, हमारा कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है और ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा सबसे पहले अपनाया गया था। यहाँ पे दोस्तों आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, हमने दोनों में यहाँ पे दिया हुआ, आप यहाँ पे इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ऊपर दोनों में देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है प्लेसमेंट इवेल्युएशन की, बात करते हैं प्लेसमेंट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस तरह का मूल्यांकन तब किया जाता है जब बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन होता है। आप हमने देखा होगा ना, जब बच्चे को, जब मान के चलिए सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में हमारा बच्चा, और हमें लगता है कि इसका स्कूल चेंज करना चाहिए, दूसरे स्कूल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे वो बच्चे को एडमिशन करने से पहले उसका टेस्ट लेके देखते हैं कि बच्चे को कितना आता है या नहीं आता, तो उस टाइम प्लेसमेंट इवेल्युएशन का यूज़ किया जाता है। प्लेसमेंट जैसे नाम से पता चल रहा है दोस्तों, प्लेसमेंट करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है, जो इवेल्युएशन किया जाता है, उसको हम प्लेसमेंट इवेल्युएशन कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि बच्चे को पहले से कितनी नॉलेज है और उस नॉलेज के अनुसार बच्चे को कौन सी क्लास के अंदर एडमिशन देना चाहिए, ये चीज़ होती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की, बात करते हैं। और इसके अंदर हिंदी में हम बात करें तो इस तरह का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है ताकि हमें यह पता चल सके कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। फॉर्मेटिव मीन्स इसको ऐसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देके चलता हूँ, फॉर्मेटिव मीन्स फोर, चार बार, यानी कि कंटिन्यू उसका समय समय पर उसको जांचना बच्चे को कि कितना इसमें इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया। जैसे मान के चलिए हर महीने हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का, पहले महीने टेस्ट लिया, उसके अंदर देखा उनकी परफॉर्मेंस कितनी, फिर अगले महीने लेते, फिर अगले महीने लेते, तो हमें पता चल जाता कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है और इसको हम इंटरनल इवेल्युएशन भी कहते हैं दोस्तों, इसको आप याद रखना, इंटरनल इवेल्युएशन।
और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बात करते हैं। डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक मूल्यांकन। इसके अंदर डायग्नोस्ट, जैसे नाम से पता चल रहा है, डायग्नोस्ट करना, अगर किसी बच्चे में कोई कमी है, जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं बच्चे को, एनालिसिस कर रहे हैं बच्चे को, अगर हमें पता चला कि इसके अंदर कोई कमी है, इसको घर में कोई प्रॉब्लम है, इसको मानसिक प्रॉब्लम है या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसकी दूर करने की कोशिश करते हैं। प्लस में हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अगर हमें पता चलता है कि कोई बच्चा बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके उसके पास किसी चीज़ का अभाव है, अगर हम उसको वो चीज़ दे दें, जैसे बुक्स दे दें, कुछ गाइड दे दें, कुछ नोट्स वगैरह दे दे, तो ये बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकता है। तो वहाँ भी हम उसकी कोशिश करते हैं, डायग्नोस्ट करते हैं उसको बच्चे को। तो दोस्तों ये इसके अंदर होता है, इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं बच्चे के अंदर। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है नंबर 5 पे सुमेटिव इवेल्यूएशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस तरह का मूल्यांकन हमारी क्लास और कोर्स के बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। सुमेटिव मीन्स समरी, इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, सुमेटिव मीन्स समरी, लास्ट के अंदर हम जैसे समरी बताते हुए इसकी ये समरी है, तो इसी तरह से हमारी क्लास के अंदर होता है। हम सबसे लास्ट के अंदर जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है या फिर हमारी क्लास पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में हम टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि किसने क्या सीखा या नहीं सीखा, सबसे लास्ट में होता है। और इस दौरान बच्चों को अंक, ग्रेड और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जैसे एनुअल एग्जाम होते हैं दोस्तों हमारे, वो होता है। और उसके बाद में, और एक चीज़ और दोस्तों, इसे हम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहते हैं, ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहते हैं। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को क्या कहते थे, इंटरनल इवैल्यूएशन कहते थे, ये चीज़ आप याद रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम पहले से ही एक क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं, भाई आपके इतने नंबर आने चाहिए तभी आप पास माने जाओगे या नहीं माने जाओगे। और जैसे एक चीज़ और एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे मान के चलिए अगर हम पहले से एक क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं, सर्टिफिकेट में होता है ना कि जिन बच्चों के नंबर 90% से ज़्यादा आएंगे, 90% या 90% से ज़्यादा आएंगे, उनको क्या दिया जाएगा, ए ग्रेड दी जाएगी। जिन बच्चों के 80% से लेके 89% तक आएंगे उनको बी ग्रेड दिया जाएगा, और जिनके 70 से 79% आएंगे उनको कितना दिया जाएगा, सी ग्रेड दिया जाएगा। यानी कि पहले से ही एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन कहते हैं। और हिंदी में ये जो नाम है दोस्तों, ये थोड़ा उठपटांग हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इंग्लिश में इसको याद रखने की कोशिश करना। अगर आप यहाँ से चाहे तो इसमें ये हिंदी में देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और दोस्तों जो ध्यान देने वाली है, इसमें हम किसी बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करते, कंपेयर करके नहीं देखते दोनों बच्चों को कि किसके कम है, किसके ज़्यादा है, कैसे क्या है, ठीक है, कंपेयर नहीं करते। आगे दोस्तों हमारे पास नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस मूल्यांकन के अंदर एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हुए किस बच्चे के ज़्यादा नंबर आए, किसके कम आए, जैसे कि हम बात करके चले, जैसे ग्रुप डिस्कशन की हम बात करें, दो हमने ग्रुप बना दिए, उससे हम सवाल जवाब करते और देखते हैं कि किसके सवाल ज़्यादा राइट है, किसको ज़्यादा नॉलेज है। इसी तरीके से हम बच्चों के अंदर कंपटीशन करते हैं, भाई कंपटीशन आज क्लास के अंदर देखेंगे किसको क्या आता है, कितना ज़्यादा आता है, किसको कितना कम आता है। तो वहाँ पे ना मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाते, फाइनल जो रिजल्ट होता है वो मार्क्स में नहीं आता, वो हमें ये पता चलता है कि हाँ ये भी जीता है क्लास के अंदर, ये जीता है, ये फर्स्ट आया, ये सेकेंड आया, ये थर्ड आया है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हम कंपेरिजन करते हैं, एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपेरिजन करते हैं, और देखा जाता है कि किसने अच्छे ग्रेड प्राप्त किया, फिर किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर किसी बच्चे ने मान लो पिछड़ गया कोई बच्चा, तो हम देखते कि इसका रीज़न क्या है और किस वजह से इसके मार्क्स कम आए हैं, मुख्य रूप से इसके अंदर दोस्तों कंपैरिजन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास CBCS, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके देखिए, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब दोस्तों चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये फुल फॉर्म याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि UGC नेट एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। जैसा नाम से पता चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। इसके अंदर हम अपने हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो ग्रेड होते हैं वो चुनाव कर सकते हैं।
इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे इग्नू के अंदर जो स्टूडेंट इग्नू से स्टडी की है जिन्होंने या कर रहे हैं उनके अंदर ग्रेड सिस्टम होता है। वो जैसे कि मान के चलिए 4 ग्रेड का एक सब्जेक्ट होता है, 8 ग्रेड का एक सब्जेक्ट होता है, वो अपने हिसाब से टोटल 32 ग्रेड होते हैं, 32 ग्रेड होते हैं एक एक ईयर के अंदर। तो 32 ग्रेड वो हो सकता है 8-8 ग्रेड के 4 सब्जेक्ट ले सकता है, या फिर 4-4 ग्रेड के कितने ले सकता है, 16 सब्जेक्ट नहीं 8 सब्जेक्ट ले सकता है। तो वो उसकी पूरी छूट होती है, वो अपने हिसाब से ग्रेड सिस्टम अपना सकता है। तो और इसके अंदर और क्या होता है दोस्तों, दिस शिफ्ट इज फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो सेंटर जो होता है वो क्या होता है, स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट अपने इच्छा से अपने अनुसार चुनाव करता है अपने सब्जेक्ट्स का और अपने अनुसार उनको पढ़ता है। इस प्रोग्राम के अंदर विद्यार्थियों को अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स चुनने की आज़ादी होती है। यह शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा केंद्रित पर ध्यान देता है। ये चीज़ हमने कर ली दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टाइप ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं निमिज नेट, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इसका हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे दोस्तों, लाइव मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो बैच है हमारा फरवरी 2021 वाला बैच है, उसके अंदर ये नोट्स आपको ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और जो लाइव मॉक टेस्ट है वो भी उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिज नेट है तो जीआरएफ है।